अच्छा किया जो ट्रक में बैठ के भागे, लेकिन यहां कैसे पहुंचे? एक कील की वजह से। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। यारे, तूने तो कहा था कि मेरा सिर काट कर बस स्टैंड पे लटकाएगा और मेरा खून पीने भी वाला था। बैकग्राउंड बैकग्राउंड की रट लगा रखी थी। बैकग्राउंड तो छोड़, तेरा तो सारा ग्राउंड गायब हो गया। जिसने तुझ पर इतना विश्वास किया उस जयम्मा और अपनी पत्नी दोनों को मार दिया और खुद की बेटी को भी दूर कर दिया। अब तेरी फिकर कौन करेगा, सबको तो दूर कर दिया। तेरी जिंदगी तो अब किसी काम की नहीं रही। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में जरूर काम आई। अगर तू खुद को मारेगा खुदकुशी, अगर मैं मारूंगा तो एनकाउंटर, डिसाइड कर ले तू। सरेंडर। वो मुझे एक चुटकी में मार सकता था, पर मुझे बदलने का मौका दिया उसने। सोचता था जेल से छूटने के बाद किससे बदला लेना है, पर अब दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखभाल करने के लिए मेरे साथ मेरी बेटी है और खेलने के लिए पोती। जिंदगी तो अब मिली है, बदल दिया मुझे, पूरी तरह बदल दिया उसने। समझ गया, समझ गया। उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। अब मैं चलता हूं, देख लूंगा उसे। सुन छोटे, बदला मैं हूं, वो नहीं। वो अभी भी क्रैक है। उसके सामने बैकग्राउंड बोला ना तो फिर तू गया काम से। बार बार बोलना जरूरी है क्या? बोला ना एक बार समझ गया हूं। गोंडा रेड्डी नाम है मेरा। देखते हैं। एक घंटा हो गया, कहाँ है तुम्हारा इंस्पेक्टर? आते ही होंगे। सर, मैं कोंडा रेड्डी सर। तो ही वो पागल है। छोटी सी बच्ची है, कोई इस पे कुत्ता छोड़ता है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? सर सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए तो सरेंडर करने आया हूँ। कुली का काम करने वाली गरीब फैमिली है वो। तूने सोच कैसे लिया कि इतना खर्चा वो उठा पाएंगे? सारा खर्चा मैं करूंगा सर। सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर से मैं उसका इलाज करवाऊंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा सर। एक मिनट सर। हेलो, एमपी सुब्बा रेड्डी बोल रहा हूँ। कौन है, कौन है वो जो तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया? उसको पता नहीं क्या मेरा बैकग्राउंड क्या है?
भाई, पांव पड़ता हूँ तेरे, चुप कर, बाद में फोन करता हूँ तुझे, अभी रखता हूँ। फोन रख दिया। 6 महीने तक स्कूल नहीं जाएगी, उसका क्या? सब देख लूंगा सर, वो जो भी पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा। डॉक्टर बनना चाहेगी तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहेगी तो इंजीनियर, और दोनों बनना चाहेगी तो दोनों। कौन बोल रहा है? हम MLA विकास मिश्रा बोल रहा हूँ। हमारा नंबर है ना तुम्हारे पास? रो रो कर मेरी आंखें धुंधला गई हैं। सिचुएशन बहुत खराब है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, 50 लोगों को पुलिस स्टेशन में लेकर आता हूँ, उसे दिखा देंगे हम कौन है और हमारा बैकग्राउंड क्या है। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तू अपना देख मैं अपना देख लूंगा, रख अब। रियल एस्टेट वाले का फोन था। तूने जो भी वादे किए उसे एक बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे और उस पर साइन कर दे। इसका बॉन्ड पेपर जल्दी रेडी करो और बच्चे के माँ बाप को बुलाओ। जब भी पुलिस स्टेशन आओ अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखो। इडियट। अरे भाई कहाँ साइन करना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पहले मैटर तो लिखने दो। अरे मुझे पहले साइन करने दो, बाद में उसमें तुम लोग कुछ भी लिखते रहना। चीजा जी, कब से फोन कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे? कहाँ है वो जो आपको यहाँ लाया? मेरा बैकग्राउंड कितना बड़ा है पता है? अरे चुप कर, मेरा बैकग्राउंड जाने बिना आपको पकड़ा किसने? कौन हो तुम लोग? अरे छोटू तू है क्या? अच्छी तरह समझा के भेजा था, फिर वापस यहाँ कैसे अटपका? आपने जैसा कहा वैसा ही किया भाई, सब कुछ एकदम करेक्ट जा रहा था। पता नहीं ये मनहूस वहाँ कैसे अटपका। जो शब्द नहीं बोलना था वही बोल दिया इसने। अपनी तरफ से मैंने सब कुछ सेट कर दिया था, पर सब सत्यानाश हो गया। कुत्ते के केस के साथ साथ पुराने केस भी खोल दिए, कुत्ते की तरह मारा भाई। वैसे किस केस में अंदर आया है? बताता हूँ भाई, एक मिनट। आपको वकील ने मुझे एक आम ने अंदर किया। आजा। एक आम, ये भी ठीक है। चाय पिए क्या? हाँ पियेंगे भाई। हाँ पियेंगे। सुन भाई, तीन चार, 50 50 50, फिर से 50 रुपए। इसे मसल क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? नए हो क्या? हाँ, तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करवा के यहाँ आया हूँ। पागल है क्या? छोटी जेल से बड़ी जेल में कैदी लोग ट्रांसफर करवाते हैं क्योंकि फैसिलिटी अच्छी है वहाँ। तुम वहाँ से यहाँ क्या करने आ गए? तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी स्ट्रांग है, वहाँ से भागना बहुत मुश्किल है, यहाँ से निकलना आसान है। यहाँ से भागने की इतनी जल्दी क्यों है? प्लान क्या है तेरा? उसको जान से मारना है। किसको? CI शंकर। पृथ्वीराज वीर शंकर। 50। हमने तो सोचा हम ही सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ये तो हमसे भी बड़ा निकला।